फ्रेंड्स प्रेगनेंसी का समय महिलाओं के लिए बहुत ही अहम होता है इस टाइम पर महिलाओं को कुछ अपने ना खाने पीने की चीज़ों का कुछ खास ध्यान रखने की ज़रूरत होती है क्योंकि वो जैसा भी खाना खाती हैं जो भी कुछ खाती हैं उसका सीधा असर उसके घर में पल रहे बच्चे पर पड़ता है इसीलिए प्रेग्नेंट महिलाओं को ना पोषक तत्वों से भरपूर डाइट लेनी चाहिए उन्हें हेल्दी खाना खाना है और खाने के साथ साथ उनको ना पानी भी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है जिससे कि शरीर को ना हाइड्रेट रखा जा सके खासकर गर्मी के मौसम में अभी तो गर्मी का मौसम चल रहा है तो आप लोगों को हेल्दी खाने के साथ साथ पानी की भी जरूरत है आपको पानी भी पीना है जिससे आप हाइड्रेट रहें अगर आप पानी ज़्यादा नहीं पी पाते हो आपको पानी ज़्यादा नहीं पसंद है तो लिक्विड चीज़ें जैसे स्मूथी और नारियल पानी पी सकते हो नारियल पानी प्रेगनेंसी के टाइम पर बहुत अच्छा माना जाता है इसके अंदर बहुत सारे गुड़ होते हैं जो माँ और बच्चा दोनों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ससी प्रेगनेंसी टिप्स फ्रेंड्स आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लिया करो तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम ये जानेंगे कि नारियल पानी हमें कब लेना है तो फ्रेंड्स अगर आप नारियल पानी सुबह उठकर खाली पेट पीते हो फर्स्ट मील के तौर पे पीते हो तो वह एक अमृत की तरह काम करता है अगर इनकेस आप लोग नहीं पी पाते हो तो इसको आप 11 बजे से पहले आप इसको पी लें ग्यारह बजे के बाद ये ना पिए क्योंकि वो हानिकारक होता है वो कोल्ड दे देता है तो हो सके तो आप 11 बजे से पहले नारियल पानी पी लें तो वो अच्छा रहता है तो फ्रेंड्स अब हम जानेंगे कि नारियल पानी के अंदर कौन कौन से पोषक तत्व तो मौजूद होते हैं तो नारियल पानी के अंदर ना क्लोराइड इलेक्ट्रोराइड कैल्शियम मैग्नीशियम और विटामिन सी जैसे पोषक तत्व तो पाए जाते हैं जो माँ और होने वाले बच्चे दोनों के लिए बहुत हेल्पफुल होती है फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे नारियल पानी पीने के फ़ायदों के बारे में तो नंबर एक होता है बेबी के विकास अगर आप खाली पेट नारियल पानी पीते हो तो बच्चे के विकास में बहुत मदद मिल सकती है नारियल पानी में अमेगा थ्री फैटी एसिड और कैल्शियम काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है जो बेबी के विकास के लिए बहुत खास माना जाता है नंबर दो होता है डिहाइड्रेशन बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जिन्हें पानी पीना ज़्यादा पसंद नहीं होता है वो पानी ज़्यादा नहीं पी पाती हैं इसलिए उन्हें डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है अगर आप सुबह खाली पेट नारियल पानी पीते हो तो आपको डिहाइड्रेशन की जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगी अगर हो गई है तो वो ख़त्म हो जाएगी नंबर तीन होता है इम्यूनिटी खाली पेट नारियल पानी पीने से इम्यूनिटी मजबूत होती है अगर प्रेग्नेंट महिलाएं रेगुलर नारियल पानी का सेवन करती हैं तो उन्हें यूरिन इन्फेक्शन से भी बचा जा सकता है अगर वो नारियल पानी यूज़ करती हैं तो वो यूरिन इन्फेक्शन से भी बच सकती हैं नंबर चार होता है पाचन नारियल पानी पीने से हमारा डाइजेशन ठीक होता है प्रेग्नेंसी के टाइम पर तो डाइजेशन वैसे ही ख़राब हो जाता है वो ठीक से काम नहीं कर रहा होता है तो अगर हम नारियल पानी का रेगुलर यूज़ करते हैं तो हमारा डाइजेशन ठीक हो जाता है तो नंबर पाँच होता है मोटापा प्रेगनेंसी के टाइम पर हर औरत की बस यही चाह होती है कि उसका वजन ना बहुत ज़्यादा ना बढ़े तो अगर वह नारियल पानी का यूज़ करती है तो वो अपने वज़न को कंट्रोल कर सकती है क्योंकि नारियल पानी के अंदर ना ज़्यादा कैलोरीज़ नहीं होती हैं तो आप ना इसका सेवन करते हो तो आपको कैलोरीज़ ज़्यादा नहीं मिलेगी और आपका वज़न ज़्यादा नहीं बढ़ेगा और इसकी तासीर भी ठंडी होती है तो फ्रेंड्स ये थे कुछ ऐसे फ़ायदे जिनका आप ना रेगुलर अगर नारियल पानी यूज़ करते हो तो आपके लिए और आपके बेबी के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं तो फ्रेंड्स अगर आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद थैंक यू